हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज अवर टॉपिक गाइगर मूलर काउंटर। तो गाइगर मूलर काउंटर होता क्या है, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी एमएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और अनसॉल्व्ड में ये पूछा गया है। गाइगर मूलर काउंटर ये आपकी क्या होती है, ये एक गाइगर मूलर ट्यूब होती है, ठीक है। द गाइगर मूलर ट्यूब इज जनरली यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ एल्फा बीटा गामा रेज। तो ये इस ट्यूब का यूज़ क्या होता है, इस ट्यूब का, इस काउंटर का यूज ये होता है कि डिटेक्शन करती है, मेजरमेंट करती है अल्फा बीटा एंड गामा रेज का, ठीक है। इट इज वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज रेडिएशन, रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स एंड न्यूक्लियर इंडस्ट्री। इसका वाइडली यूज जो है वो इंडस्ट्री में है, न्यूक्लियर इंडस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करने में है एंड रेडिएशन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन में है। अ गाइगर काउंटर कंसिस्ट ऑफ अ गाइगर मूलर ट्यूब and the processing electronics which display the result. Geiger Müller tube is filled with an inert gas such as helium, neon or argon at a low pressure. इस Geiger Müller tube में हम inert gas लेते हैं कोई भी, जैसे helium ले सकते हो, argon, neon, ठीक है। यह आपकी Geiger Müller tube होती है और ये क्या होता है, इसका कैथोड होता है और ये आपका एनोड होता है। इसमें आप एक बैटरी कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी रेडिएशन यहाँ पे डालते हो तो आपके अल्फा बीटा गामा रेज होती है, तो आप यही उसकी मेजरमेंट एंड डिटेक्शन करते हो कि आपकी कौन सी रे निकली है। तो यही आपका Geiger Müller काउंटर होता है। तो आपको अब क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और Geiger Müller काउंटर पर नोट्स प्रिपेयर कर लेना है।